Good morning, children. Welcome to SST class. I am Ashwarya Singh, and today we will discuss the second chapter of class 6, history. In the first part, we have discussed the life of early humans, about the stone age, different sites of India, and the techniques of tool making and uses of tools, stone tools. In this video, we will discuss a few more topics of this chapter, that is humans discover fire, early rocks paintings, and the decade. Okay, the first topic we have, that is human discover fire. One of the greatest discoveries made by the human beings was the of fire. Fire जो अपने आप एक बड़ी बहुत बड़ी खोज थी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा. ये कैसे हुआ होगा, देयर इज नो एविडेंस, ये पूरी तरह श्योर नहीं कि कैसे मिला होगा. इट माइट बी हैपेंड, ऐसा हुआ होगा कि मे बी कुछ फ्लिंट चिप्स जो है आपस में टकराए होंगे और नीचे सूखे ड्राई लीव्स होंगे उसमें टकरा के फिर वो फ्लेम का रूप लिए होंगे, या मे बी कभी लाइट स्ट्रक किया होगा ऑन द ट्रीज एंड इट कन्वर्टेड इन टू फ्लेम्स. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद, व्हाट ह्यूमंस लर्न द यूजेस ऑफ फायर ऑल्सो. वेन वंस इट वॉज डिस्कवर्ड, जब ये फायर की खोज हो गई, जब उन्होंने जान लिया कि फायर एक्चुअली इससे प्रोड्यूस हो रहा है स्टोन चिप्स से, एंड देन ग्रेजुअली दे लर्न टू यूज ऑफ फायर. ओके, हाउ ओवर पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमंस लर्न टू यूजेस ऑफ फायर. उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने सीखना स्टार्ट किया कि फायर का क्या क्या यूज कर सके. दे इट प्रोवाइडेड लाइट एंड केप देम वार्म. स्टार्टिंग में उन्होंने इसको ऐसे यूज किया लाइट के रूप में, एंड टू कीप देयर बॉडी वार्म, अपने आप को वार्म रखने के लिए, बिकॉज दे डोंट जनरली यूज टू वेयर क्लोथ्स. ओके, अर्ली ह्यूमंस केप्ट द फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ देयर केव्स. जनरली वो क्या करते थे, जिस केव्स या रॉक शेल्टर में वो रहते थे, दे केप्ट बर्निंग ऑफ फायर. क्यों ऐसा करते थे, व्हाई दे डिड सो, टू स्केयर अवे द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराने के लिए, सो दैट दे कैन स्केयर. ओके, दे ऑल्सो फाउंड दैट फायर कुड बी यूज टू कुक फूड. उन्होंने ये भी पाया कि फायर को कुकिंग फूड को कुक करने में यूज कर सके. हाउ, ऐसा कैसे हुआ होगा. इट माइट बी हैपन कि सम व्हेन दे वाज ईटिंग द फ्लैश ऑफ रॉक फ्लैश ऑफ एनिमल्स, मे बी वो फायर नजदीक में जल रहा होगा एंड दैट पीसेज ऑफ रॉ फ्लैश फ्लैश मीट माइट हैव फॉलन टू दैट फायर. उसमें वो फ्लैश का टुकड़ा गिर गया और फिर उन्होंने जब वो रोस्ट हो गया उन्होंने निकाला होगा खाया होगा, तो इट मे बी माइट बी टेस्टेड गुड, उनको बहुत अच्छा लगा फील होगा टेस्ट, तो दे स्टार्टेड टू कुक फूड फ्रॉम दैट टाइम. ओके, एंड ह्यूमंस मे हैव स्टार्टेड कुकिंग फूड आफ्टर अदर इस इंसिडेंट्स के बाद. मे बी उन्होंने स्टार्ट किया होगा कि फायर में रखने से फूड को और टेस्टी बनाया जा सकता है. ओके, दैट्स अबाउट द ह्यूमन डिस्कवर फायर. Now come to the next topic we have, that the early rock paintings. Okay, generally early humans painted on the rocks, wall, cave walls. Why is they do so? Maybe to express their feeling. As we know that it was a time when the written was, there was no writing concept, there was no languages. To express their feelings, they just used to draw the paints, or they used to draw the drawing of different things. To express their feelings, they just draw the things. Okay, they may also have been done. वो ऐसा इसलिए भी करते होंगे, कोई ceremonial occasion हो या इस तरह की कोई बातें हो, कोई celebrate करने या entertain करने के लिए अपने आप को वो rock painting किया करते होंगे. There is one important place that is Bheem Betka that lies in the Madhya Pradesh. Okay, in Madhya Pradesh, is famous for its prehistoric rock paintings. बहुत ज्यादा मात्रा में वहां प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स पाए गए हैं. दीज आर ओवर 750 रॉक शेल्टर, दे आर अबाउट 750 रॉक शेल्टर्स इज फाउंड ओवर देयर, एंड रियली 500 विच आर पेंटिंग. लगभग उन 750 में से 500 केव पेंटिंग्स रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स किए गए हैं बाय द अर्ली ह्यूमंस. द पेंटिंग्स डिपिक्ट द सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ, और इसमें जो पेंटिंग्स किए हुए जनरली वो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ को डिपिक्ट शो कर रहे हैं कि वो उस दौरान उनकी लाइफ कैसी रही होगी. लाइक हंटिंग ऑफ एनिमल्स का पिक्चर रहा होगा, राइडिंग है, डांसिंग की पिक्चर्स है, परफॉर्मिंग रिचुअल्स. ओके, वुमेन ग्राइंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड है, और चिल्ड्रेन रनिंग, जंपिंग, प्लेइंग एंड सो ऑन. दे आर
the pictures which is found over there in Bhimbetka Caves. Whenever you will find the chance to get that historical place, you must have seen. There are large number of pictures related to the early humans' life. Okay, the colors used in painting are red, green, white. The many colors. They must have made from the rocks mineral. They first crush the rock minerals. उन्होंने crush किया होगा. वो इस तरह से color बनाते होंगे early humans. Till they become जब तक crush किया होता कि powder नहीं, फिर उसमें water add किया होगा या ट्री के रेजेंस को मिलाया होगा, उनके लिक्विड को मिलाया होगा स्टेम के, और वो उन्होंने कलर्स को तैयार किया होगा और दे पेंटेड द केव. Now come to the next topic, that is the Deccan. What we can see over here, the Deccan part of India that lies in the southern part of the India. This part having many prehistoric sites. Okay, prehistoric means that we discussed in the first chapter.
the period in which writing was not invented, like writing was not done, there was no language and literature type of thing. That time only paintings was the only way to express the way of communication among early humans. So many prehistoric sites have been excavated in the Deccan, and some of them are in Bori, Margao, Chilki, Nevasa, Isampur, Gunnaur, Sarsfar, Nasri, Yedurvadi and Ethiram-Pakkam. All these sites are characterized by the discovery of stone tools. Many tools are found over all these sites. A large number of tools are found in these places. These sites are characterized by the discovery of stone tools like hand axes, choppers, cleavers, scrapers, among other things. These are the main tools which are found in these regions, in this region of Deccan. The main area, the main place in the Deccan was the Hunsdi. Okay, this is in the main site. Okay, Hunsdi is an important prehistoric site in the Deccan region. And many Deccan also have many in both the large and small one are taken into the account. The number of wood cross 200. Oh, this is the site where large and big stone, both stone tools are found over here. Okay, and if the number will be counted, it will be more than 200 tools. Many finished and unfinished tools, stone tools have been found here. Means kuch finished bhi mile hai, kuch unfinished stone tools bhi is area mein paaye gaye hain. It is at least it only humans lived here over a very long period. और ऐसा लग रहा है इतनी ज्यादा मात्रा में इस region में stone tools पाने का मतलब इस तरीके से लगाया जा रहा है कि it means कि बहुत सालों से animals बहुत काफी time तक यहाँ अपनी life में spend किए होंगे. The stone tools found from the prehistoric site of Deccan are an important link with the past. बहुत important link दे रहे हैं क्यों? Because stone tools से जो historians होते हैं वो पता लगा पाते हैं कि उनकी life कैसी रही होगी, वो किस तरह की stone tools को use करते होंगे, कैसे use करते हैं, उनसे उनकी life का भी पता चलता है. Archaeologists and the study these tools carefully to find out how they were used, कैसे उनका uses था. In this way they would be able to understand how early humans lived, वो कैसे रहते होंगे. इस तरीके से वो tools से ये पता करते थे कि animals कैसे life spend कर रहे हैं, what they ate, वो किस तरह की food को खाते थे, the food की cutting करने में वो tools का use करते थे, and how they overcame the harsh living conditions of those times, और वो किस तरह के harsh condition को face करते थे उस time. So these all about the tools which is found in the Deccan region. This is all about this chapter. Thank you and have a nice day.